ऐसा क्या होता है कि उन्हें ये सब काम करने पड़ते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, हाउस होल्ड वर्क। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल, लेट अस रीड अबाउट हर। तो यहाँ पर एक दीपाली नाम की गर्ल है जिसकी स्टोरी हमें दी हुई है, और वो भी ऐसी गर्ल है कि जो स्कूल नहीं जा पाती है, तो चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं। दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली, हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स, ही लीव्स फॉर द मंडे वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो दीपाली है वो अपने घर में सभी बच्चों में सबसे बड़ी है, और उसके जो फादर है वो सब्जी बेचते हैं, और वो हर सुबह जल्दी मंडी या तो जिसे हम मार्केट बोलते हैं वो वहाँ जाते हैं। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेज, उसकी जो मम्मी है वो लोगों के घर पे बर्तन वगैरह धोने का काम करती है। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, और मम्मी भी जो है वो सुबह जल्दी घर से निकल जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो जो दीपाली है वो अपने भाई और बहन के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स, फिर अपने घर को वो साफ करती है, और जो घर के काम है जैसे कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो, वो सारे काम वही करती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, शी लिसन्स टू सॉन्ग्स व्हाइल शी वर्क्स, उसे रेडियो पर सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, तो जब भी वो काम करती है तो वो काम करते करते रेडियो पर सॉन्ग सुनती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू ड्रॉप हर ब्रदर विद देयर फादर, तो जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है वो अपने भाई को अपने फादर के पास छोड़ने जाती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर्स सुमन एंड शैला टू स्कूल, उसके बाद वो अपनी दो छोटी बहनें हैं सुमन एंड शैला, उनको स्कूल लेकर जाती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, उसके बाद वो अपनी मम्मी की हेल्प करने जाती है। उसकी मम्मी दूसरों के घर पर काम करने जाती है, वहाँ पर वो उसकी मम्मी की हेल्प करती है। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम, फिर आफ्टरनून में मतलब दोपहर में वो अपने जो सिस्टर्स हैं उनको स्कूल से घर पर लेके आती है, और अपने भाई को जो अपने पापा के पास छोड़कर आती है उसे भी वो अपने घर वापस लेकर आती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, फिर शाम को वो कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर अड़ोस पड़ोस में खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग, उसकी मम्मी जो है वो शाम को बहुत ही लेट घर पर आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली, फिर वो अपनी मम्मी को जो मम्मी खाना पकाती है उसमें हेल्प करती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट, और उसके जो फादर है वो रात को बहुत ही लेट घर पर आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक्स, तो रात को दीपाली को अपने बेड पर सोते सोते जो उसकी सिस्टर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ना उसे अच्छा लगता है। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास थ्री, तो दीपाली जो है वो क्लास थ्री मतलब क्लास थर्ड तक वो पढ़ी है, उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। थ्री ईयर्स बैक व्हेन हर लिटल ब्रदर वॉज बोर्न शी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर ऑफ हिम, जब उसके घर पे उसके छोटे भाई का जन्म हुआ तो तब से वो अपने छोटे भाई को संभालने के लिए उसकी देखभाल करने के लिए घर पर ही रहती थी। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, तब से वो बिल्कुल अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई, उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू नो द थिंग्स, नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज रेगुलरली, उसे लगता है कि जब भी वो कोई बुक्स पढ़ती है तो उसे बहुत कुछ नया जानने को मिलता है। और अब जो दीपाली है वो उसने फिर से अपने स्कूल स्टार्ट कर दी है, अभी उसका भाई जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए अब दीपाली फिर से स्कूल जाने लगी है और वो रेगुलर स्कूल जाती है। व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस, दीपाली अपने खुद के घर में क्या क्या काम करती है, तो हमने देखा कि दीपाली क्या करती है, शी कुक्स फूड, क्लीन्स द हाउस, washes utensils, goes to drop her brother with her father, takes her younger sisters to school, brings back her siblings to home, तो वो अपने घर पर खाना बनाती है, घर को साफ करती है, बर्तन धोती है, फिर अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़ने जाती है, अपनी दोनों जो भी यंगर सिस्टर्स हैं उनको स्कूल छोड़ती है, और फिर शाम को वो अपने जो तीनों भाई बहन हैं उनको फिर से वापस घर लेकर आती है। Do you also do household work? If yes, what? क्या आप भी आपके घर में कुछ काम करते हैं? अगर हाँ तो कौन कौन से काम? तो हाँ स्टूडेंट्स, हम भी घर पर कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो हम क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे To keep all the things at proper place, filling up water bottles, watering plants, helping mother to arrange plates on dinner table, तो हम जो है जो भी चीज़ें हैं उनको ठीक से अपनी जगह पर रखते हैं, फिर पानी की बॉटल्स भरते हैं, घर में अगर कुछ पेड़ पौधे हो तो उनको पानी देते हैं, और मम्मी को डिनर टेबल अरेंज करने में हेल्प करते हैं। इस तरह से जो छोटे छोटे काम होते हैं वो हम अपने घर पर करते हैं।
Next day, besides household work, do you do any other work at home? If yes, what? तो household work के अलावा क्या आप कोई और भी काम करते हैं? अगर हाँ तो कौन सा काम करते हैं? तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे No, I don't do any other work besides household work. Given below are some daily activities. Show on the face of the clocks at what time of the day you do them. तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी है जो हम डेली करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो क्लॉक दिए हैं, क्लॉक के फेसेस, उनके ऊपर आपको वो टाइम ड्रॉ करना है कि आप किस टाइम पर कौन सा काम करते हो. तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है वेकअप इन द मॉर्निंग. तो जनरली हम सुबह स्कूल जाते हैं तो हम 6 AM को उठ जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 AM. देन नेक्स्ट डे गो टू स्कूल. तो जनरली हमारा जो स्कूल है वो 7:30 को स्टार्ट हो जाता है, तो हम 7 o'clock को घर से निकल जाते हैं. तो हम यहाँ पर जो टाइम है वो दिखाएंगे 7. देन नेक्स्ट इज रिटर्न फ्रॉम स्कूल 2:30 PM. उसके बाद सीट डाउन टू स्टडी एट होम. घर पर हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं. तो जब हम स्कूल से वापस आते हैं उसके बाद हम खाना वगैरह खाकर थोड़ी देर आराम करते हैं. उसके बाद हम अप्रोक्स 4:30 के आसपास हम कुछ पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं. तो यहाँ पर हम बताएंगे 4:30 PM. उसके बाद नेक्स्ट है गो टू प्ले. तो हमारी पढ़ाई करने के बाद हम शाम को 6:30 के नियर अबाउट बाहर खेलने के लिए जाते हैं. देन उसके बाद है स्लीप एट नाइट. और रात को हम नियर अबाउट 10 o'clock सो जाते हैं. तो यहाँ पर हम दिखाएंगे 10 PM. विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क, वॉट वर्क डू दे डू. तो आपके कौन से फैमिली मेम्बर्स है कि जो हाउस होल्ड मतलब घर का काम करते हैं, और कौन कौन से काम वो करते हैं? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे मदर, क्योंकि मम्मी जो है वो घर का सारा काम करती है. तो वो क्या करती है, हम यहाँ पर लिखेंगे कुक्स फूड एंड क्लीन्स हाउस. वो खाना भी बनाती है और घर को साफ भी करती है. उसके बाद हम लिखेंगे फादर हेल्प्स मदर इन हाउस होल्ड वर्क. फादर जो है वो मम्मी को अपने घर उनके जो घर काम में हेल्प करते हैं. उसके बाद है ग्रैंड पेरेंट टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन. जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको वो देखभाल करते हैं. नेक्स्ट इज सिस्टर हेल्प्स मदर. जो सिस्टर है वो घर में मम्मी की हेल्प करती है. विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी. आपके फैमिली में से कौन से फैमिली मेम्बर्स है कि जो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? तो जनरली स्टूडेंट्स सबके घर में जो फादर होते हैं पापा, वो घर में पैसे कमाने के लिए काम करते हैं. तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फादर ही वर्क्स इन ऑफिस. वो अपने ऑफिस में काम करते हैं या जो भी उनका वर्क प्लेस है वहाँ पर वो काम करते हैं. नेक्स्ट हम लिखेंगे मम्मी. तो किसी किसी के मम्मी भी जॉब करती है, किसी की मम्मी टीचर होती है, किसी की मम्मी डॉक्टर होती है. तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं मदर. फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन. आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि जब वो छोटे थे तब वो कौन सा काम करते थे. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, अगर उसके बारे में हम पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे ग्रैंडफादर थे ही वॉज गोइंग टू फार्म. वो फार्म में जाते थे और वहाँ पर वो काम करते थे. देन ग्रैंड मदर वॉज हेल्पिंग हर मदर. और जो ग्रैंड मदर थे वो अपनी मम्मी की हेल्प करते थे. शी वॉज मेकिंग काउ डंग केक. तो पहले जो इस तरह के काउ डंग केक्स मतलब जिसे हम उपले भी बोलते हैं वो बनाते थे. अभी भी अगर हम गांव जाएं तो वहाँ पर छोटे छोटे गांव में इस तरह के उपले बनते हैं. तो जब मेरी ग्रैंड मदर छोटी थी तो वो इस तरह के उपले बनाती थी. देन ग्रैंड फादर वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. जो भी घर पर एनिमल्स होते हैं लाइक काऊ बफेलो या ऑक्सेस, तो उनकी वो केयर करते थे. उन्हें पानी पिलाना, उनके लिए फोडर देना, ये सब काम मेरे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे. सरला आस्क्ड हर ग्रैंड मदर नानी द सेम क्वेश्चन. नानी रिप्लाइड व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई वुड हेल्प माई एल्डर्स टू कलेक्ट फायर वुड मेक काउडंग केक्स एंड प्लास्टर वॉल्स विथ काउडंग. तो सरला ने अपनी ग्रैंड मदर से मतलब नानी से उसने सेम क्वेश्चन पूछा कि वो अपने चाइल्डहुड में जब वो छोटी थी तब क्या काम करती थी. तो उसकी नानी ने कहा कि वो फायर वुड कलेक्ट करती थी. सी स्टूडेंट्स पहले जो थे, अभी जिस तरह के हम गैस स्टोव वगैरह यूज़ करते हैं वो पहले के ज़माने में नहीं हुआ करते थे. उस वक्त इस तरह के जो मिट्टी से बने हुए जो स्टोव्स होते थे जिसे हम चूल्हा बोलते हैं वो यूज़ होता था. और उसके अंदर एज अ फ्यूल लकड़े मतलब जो सूखी लकड़ियाँ होती थी वो, और जो काउडंग केक्स होते हैं वो यूज़ होते थे. तो पहले लोग जंगल में जाकर इस तरह से फायरवुड कलेक्ट करते थे.
तो जो सरला की नानी है वो भी वही काम करती थी, वो जंगल में जाकर या किसी फार्म्स में जाकर फायरवुड मतलब सूखी लकड़ियाँ जलाने के लिए कलेक्ट करती थी, काउडंग केक्स बनाती थी। और स्टूडेंट्स, पहले जो घर होते थे वो मिट्टी के होते थे और उसके ऊपर जो काउडंग मतलब गाय का गोबर होता है उससे इस तरह से प्लास्टर किया जाता था, तो वो भी काम जो छोटी लड़कियां होती थी घर में वो करती थी, इसलिए सरला की जो नानी है वो भी ये काम करती थी। बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस, द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड, देयर इज़ नो नीड फॉर सरला टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट हर ग्रैंडमदर डिड इन हर चाइल्डहुड। लेकिन अब हमारे पास उस तरह के जो स्टोव्स है वो अब नहीं है, हमारे जो स्टोव्स है वो गोबर गैस पर चलते हैं, इसलिए हमें कोई भी फायरवुड कलेक्ट नहीं करना पड़ता है, जो हमारी वॉल्स है वो ऑलरेडी सीमेंटेड है, हमें कोई भी उसके ऊपर फिर से काउडंग का प्लास्टर नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए सरला को भी अब वो काम नहीं करने पड़ते हैं जो उसकी नानी अपने चाइल्डहुड में किया करती थी। You had written about the work you do and the work done by your elders in their childhood. Is there a change? तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर आप जो भी काम अभी करते हो उसके बारे में लिखा है, और आपके जो एल्डर्स थे मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स, वो अपने चाइल्डहुड में कौन से काम करते थे, क्या उसमें कोई चेंज आपको नज़र आ रहा है? तो येस, देयर इज़ अ ह्यूज चेंज, चिल्ड्रन गेट मोर टाइम टू स्टडी। पहले तो सबसे पहले है कि हमारे अभी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है, लेकिन पहले बच्चों को पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता था। देन वी हैव मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड गैजेट्स, अभी हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, लाइक मोबाइल है, टीवी है, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और ये सब चीज़ें उनको नहीं मिलती थी। देन चिल्ड्रन डू लेस हाउस होल्ड वर्क नाउ, अभी के जो बच्चे हैं उनको घर में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन पहले जो बच्चे थे उन्हें बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते थे। दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क, फाइंड आउट इफ देर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु आर ओवर 5 years एंड डू नॉट गो टू स्कूल। तो आपने देखा कि दीपाली ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, और क्यों छोड़ी थी वो भी आपको समझ में आ गया। तो आपने आपके नेबरहुड में, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई बच्चे देखे हैं कि जो 5 years से बड़े हैं, मतलब 5 साल से बड़े हैं, लेकिन स्कूल नहीं जाते हैं? टॉक टू एनी 2 children एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो ऐसे ही किसी 2 बच्चों के साथ आपको बात करनी है और उनसे पूछना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। दिस चाइल्ड लाइक विच काइंड ऑफ स्कूल, राइट अबाउट इट, और ये जो बच्चे हैं उनको किस तरह के स्कूल पसंद है, स्कूल में उन्हें क्या पसंद है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, तो पहला जो बच्चा है जिसे मैं मिली हूँ उसका नाम है राजू। राजू स्कूल क्यों नहीं जाता है? राजू एक टी स्टॉल पर काम करता है, वो लोगों को वहाँ पे चाय देता है, और इसके ये काम करने से उसे कुछ पैसे मिलते हैं। तो वो स्कूल क्यों नहीं जाता है? बिकॉज देर आर मैनी मेम्बर्स इन हिज फैमिली एंड ही ऑल्सो नीड्स टू अर्न मनी टू लिव। तो उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं और सभी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और घर में इतने सारे लोग हैं खाने वाले, तो पैसे कमाने के लिए राजू को भी काम करना पड़ता है। देन नेक्स्ट डे, व्हाट यू लाइक द मोस्ट, जब उसे पूछा कि उसे स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो उसने कहा ही लाइक्स टू स्टडी एंड टू प्ले, उसे पढ़ाई करना और स्कूल में बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। देन नेम ऑफ द सेकेंड चाइल्ड, दूसरा जो बच्चा है जिससे मैं मिली उसका नाम क्या है? उसका नाम है पिंटू। रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, अब पिंटू स्कूल क्यों नहीं जाता है? तो जो पिंटू है वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, एंड हिज फादर इज़ नो मोर एंड ही हैज़ टू वर्क टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली। तो जो पिंटू है उसके फादर नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, तो अपनी फैमिली के लिए उसे पैसे कमाने पड़ते हैं, इसलिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। वॉट यू लाइक द मोस्ट इन स्कूल, उसे स्कूल में क्या पसंद है? ही ऑल्सो लाइक स्टडी, उसे भी स्कूल में पढ़ाई करना अच्छा लगता है।